हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज हम अपनी स्प्लेंडर प्लस में पल्सर का 3 पीस हैंडल पैप फिट करने वाले हैं। पल्सर का जो जेन्युइन हैंडल आता है वो इसमें हम लगाने वाले हैं। उसके लिए क्या क्या पार्ट्स हमें चेंज करने हैं, क्या क्या इसमें करना है, जानेंगे इस आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं बाइक से रिलेटेड बहुत ही शानदार वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूँ। सबसे पहले आपको आपकी गाड़ी की हैंडल टिप प्लेट ओपन कर लेनी है। उसमें आपको 4 होल कराने हैं, जैसे एक यहाँ पे आएगा, ठीक है, एक यहाँ पे आएगा और सेम उसी तरह से एक यहाँ पे आएगा। तो नीचे की तरफ 4 12 mm के नट की मदद से आपको वो बोल्ट जो है टाइट करने हैं। कैसे वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊँगा। तो उससे पहले हम अपने हैंडल टिप प्लेट जो है वो गाड़ी में फिट कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे आपको इस तरीके से जो है हैंडल टिप प्लेट फिट कर लेनी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको दबा के फिट कर लेनी है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि टिप प्लेट जो है वो पूरी तरीके से फिट हो चुकी है, ठीक है। अब इसमें जो 19 mm के 2 बोल्ट आएंगे वो बोल्ट कुछ इस प्रकार से कस लेने हैं। दोनों बोल्ट आपको कस लेने हैं कुछ इस प्रकार से, 19 mm के पाने की मदद से आपको फुल टाइट कर लेने हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से आपको टाइट कर लेना है। उसके बाद में ये 28 mm का जो नट आएगा सेंटर नट, ये आपको लगा लेना है। इसको भी फुल टाइट कर लेना है 28 mm के पाने की मदद से। उसके बाद में जो 8 mm के 2 आप बोल्ट देख रहे हैं, जो कि मीटर बॉडी स्टैंड के लिए आते हैं, ये आपको इस प्रकार से लगा लेने हैं। नीचे आपको 10 mm का एक नट लगाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे जो उसका नट था पहले वो हमने काट दिया है होल करने की वजह से। दोनों बोल्ट आपको कुछ इस प्रकार से कस लेने हैं 8 mm के की मदद से, फुल टाइट आपको जो कर लेने हैं। उसके बाद में हमारा जो लेफ्ट साइड का होल्डर है वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से फिट कर लेना है। इसमें 2 6 mm के हल्की के बोल्ट लगेंगे, वो आपको कुछ इस प्रकार से लगा लेने हैं। दूसरा बोल्ट भी लगा लेना है। इसके नीचे की तरफ 2 12 mm के नट लगा लेने हैं, ताकि इनको हम पूरी तरीके से टाइट कर पाएँ। कुछ इस प्रकार से आपको 12 mm के पाने से नीचे से होल्ड करके कुछ इस प्रकार से आपको दोनों बोल्ट जो है वो फुल टाइट कर लेने हैं। फुल टाइट करने के बाद नंबर आता है हमारे राइट साइड के होल्डर का। तो सेम ही तरीके से आपको राइट साइड का होल्डर है जो वो भी टाइट कर लेना है, जैसे कि आपने लेफ्ट साइड का किया है। 2 6 mm के एलकी के नट जो है वो इसमें लगा लेने हैं कुछ इस प्रकार से। नीचे 2 आपको 12 mm के जो नट हैं वो लगाने पड़ेंगे, क्योंकि नीचे जो है वो फिक्स नट नहीं है, आपको लगाने ही पड़ेंगे ताकि आप इसको फुल टाइट कर पाएँ। तो कुछ इस प्रकार से आपको जो है टाइट कर लेने हैं दोनों। तो होल्डर जो है वो हमारे दोनों फिट हो चुके हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब नंबर आता है अपने हैंडल पाइप का। तो सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड का जो हैंडल पाइप है वो कुछ इस प्रकार से फिट कर लेना है। एक लंबे वाला 6 नंबर एलकी का इसमें नट आएगा, बोल्ट आएगा, तो वो कुछ इस प्रकार से टाइट कर लेना है 6 mm की एलकी की मदद से। उसके बाद में आपको एक क्लच होल्डर जो है, या क्लच योग बोले, इसको आपको इसमें फिट कर लेना है। क्लच योग जो है वो आपको स्प्लेंडर का ही लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपको उसके लिए इसका लीवर भी बदलना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये जो इसमें क्लच योग है वो मैंने स्प्लेंडर की ही रहने दी, जो कि इसमें पहले लगी हुई थी। उसके बाद में नंबर आता है कंट्रोल स्विच का, जो कि हम पल्सर का ही लगाने वाले हैं, ताकि जो लुकिंग है वो पूरी तरह से हैंडल की पल्सर वाली आए। तो ये हैंडल स्विच कंट्रोल स्विच जो है पल्सर का इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। इसकी प्राइस की बात करें तो ये 550 से 600 रुपये का आपको मिल जाएगा, मिंडा का ओरिजिनल मिल जाएगा। तो वो आपको इस प्रकार से फिट कर लेना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। 2 इसमें पेचकस के स्क्रू आएंगे, वो आपको पेचकस की मदद से यहाँ पे टाइट कर लेने हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। 2 स्क्रू आएंगे, दोनों आपको टाइट कर लेने हैं। उसके बाद में आपको ये जो ग्रिप है ये कुछ इस प्रकार से हाथ से ठोक के अंदर डाल लेना है। उसके बाद में आपको हैंडल वेट जो है 5 नंबर के बोल्ट से, 5 नंबर की अलकी की मदद से कस लेना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद में अपना जो क्लच लीवर है वो यहाँ पे इस प्रकार से फिट कर लेना है। 10 mm का बोल्ट इसमें लगेगा, वो आपको टाइट कर लेना है कुछ इस प्रकार से, 10 mm की टी से फुल टाइट कर लेना है।
उसके बाद में आपके जो राइट साइड का हैंडल पैप है वो पहले आपको इस तरह से प्लस सॉरी ब्रेक योग में फिट करके पाइप को फिट कर लेना है, कुछ भी इस प्रकार से आपको फिट कर लेना है। उसके बाद में आपके 6 नंबर एल की का जो बोल्ट है वो आपको यहाँ पे कस लेना है कुछ इस प्रकार से, फुल टाइट आपको कर लेना है। ये बोल्ट जो है आपको अच्छी तरीके से फुल टाइट कर लेना है ताकि आगे चल के हैंडल हिलने की प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद ब्रेक योग का 10 mm का बोल्ट आपको 10 mm की टी की मदद से टाइट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको जो ये कंट्रोल स्विच है राइट साइड वाला, ये भी पल्सर का ही हम इस्तेमाल करने वाले हैं। प्राइस की बात करें तो इसकी भी लगभग सेम प्राइस रहती है, 5-10 रुपये का फ़र्क रहता है कम या ज़्यादा, तो इसको हम इस तरह से फिट कर लेंगे। खास बात यह है कि स्प्रिंटर प्लस की जो रेस वायर है और पल्सर की जो रेस वायर है वो ऊपर से दोनों एक ही प्रकार से आती हैं, लगभग सेम आती हैं, इसलिए हमको कंट्रोल स्विच फिट करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। जो ग्रिप है वो हमको पल्सर का इस्तेमाल करना है कुछ इस प्रकार से, एक्सीलेटर ग्रिप पल्सर का इसमें हमको इस्तेमाल करना है। यहाँ पे इस तरह से रेस वायर फंसा के आपको यहाँ पे ये फिट कर लेना है। फिट हो जाने के बाद में यहाँ पे सेम 2 स्क्रू आएंगे जो आपकी आपको पेचकस की मदद से कसने हैं कुछ इस प्रकार से। आपको जो दोनों स्क्रू हैं वो प्लस के पेचकस की मदद से फुल टाइट कर लेने हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद 5 mm के एल की मदद से आपको ये हैंडल वेट कस लेना है कुछ इस प्रकार से, फुल टाइट कर लेना है। तो कंट्रोल स्विच की वायरिंग के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसका कनेक्शन कैसे करना है इसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वो वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। इस वीडियो में हम नहीं करने वाले क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाने वाली थी, इसलिए इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो फिट होने के बाद में कुछ इस प्रकार की लुकिंग आ रही है, जो कि अगर आप आफ्टर मार्केट कोई भी हैंडल लेके स्प्लेंडर प्लस में लगाते हैं उससे कहीं कहीं गुना ज़्यादा मजबूत है और चलाने में काफ़ी कंफर्टेबल है। तो वीडियो आपको अगर हमारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं।